हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं गोल्ड माइन न्यूज भोजपुरी चैनल से पवन सिंह मुकेश अंबानी शादी। ओके, पवन सिंह ने जो मुकेश अंबानी यानी कि अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनकी शादी अटेंड की है। तो वहां पे क्या क्या न्यूज है, कैसी न्यूज है ये, वो देखने को मिलेगा हमें इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पवन सिंह अनंत अंबानी के शादी में गए थे, वहां से दूसरे एंगल का वीडियो सामने आया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने वाला है, जरा इस वीडियो को स्लोमो करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट नोट करने वाला है उसको बताते हैं। और कुछ लोगों की डाउट ये थी, जिसको क्लियर करना जरूरी है, कि पवन सिंह जब एंट्री ले रहे थे उस समय पवन सिंह का फोटो पब्लिकली दिखाया क्यों नहीं गया, जैसा सबका दिखाया गया। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि पवन सिंह थोड़ा सा अलग तरीके से गए थे। वहाँ पे पवन सिंह का सिर्फ शो था और शो सिर्फ 3 मिनट के अंदर का था, लाइक 2 मिनट 50 सेकेंड का था, जिसमें पवन सिंह सिर्फ उतना देर का शो करने के लिए पवन सिंह ने 40 लाख रुपए लिए और ये अब तक का सबसे महंगा स्टेज शो है किसी भोजपुरी एक्टर द्वारा। लेकिन हम इस वीडियो के कुछ पॉइंट को नोट करने थे, जहां पे दूसरे एंगल का वीडियो सामने आया है। पवन सिंह स्टेज पे चढ़ के गा रहे हैं और नीचे जरा ध्यान से देखोगे तो क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और भारत के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पवन सिंह के गाने पे झूमते हुए नजर आ रहे होंगे। रांची से, ऑफकोर्स रांची से है वो महेंद्र सिंह धोनी, तो ऑफकोर्स लॉलीपॉप पे तो झूमना बनता है भाई। ठीक है भाई, यार रांची का हर लड़का मेरे ख्याल से इस सॉन्ग को, कोई भी ऐसा हो या शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इंडिया में रह के ये गाना ना सुना हो, है ना भाई। बाहर का मैं नहीं कह सकती, सॉन्ग ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, लॉलीपॉप, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स की दुनिया में जरूरी नहीं है कि सबने ही सुना होगा, है ना। सबने तो यार जो बिलियंस और बिलियंस में सॉन्ग जाते हैं वो नहीं सुनते सब, ठीक है। तो ये चीज है, अभी यहाँ पे 3 मिनट के शो के लिए पवन सिंह ने 40 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, अंबानी से। अंबानी के लिए तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा वो नहीं है अमाउंट, लेकिन एक भोजपुरी स्टार के लिए जो भोजपुरी मूवीज में ज्यादातर जो काम करते हैं, लाइक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और एक दो ऐसी जो हायर कैटेगरी के जो एक्टर्स हैं, वो मूवीज में काम करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए शायद लेते हैं, जहां तक कि मैंने भोजपुरी में सुना है, ठीक। तो एक शो के लिए, 3 मिनट के शो के लिए 40 लाख, ऑफ कोर्स एक भोजपुरी स्टार के लिए बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट है। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ भोजपुरी सेलिब्रिटी, ठीक है, इट्स अ रियली बिग थिंग। एंड उनके सॉन्ग पे जब वो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, एक ऐसे कुछ ऐसे लोग जिन्हें जनता इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, धोनी ऑफ कोर्स थाला फॉर अ रीजन भाई, वो ये इंसान जिस जहां पे भी जिस माहौल में रहेगा उस माहौल में ढल जाता है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है ना कि सुन के बस आपके चेहरे पे से स्माइल आती है। तो सोचो यार, एक इतनी बड़ी हस्ती उस जब परफॉर्म कर रही है गाने पे, तो ऑफ कोर्स यार वहां फेम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। कह रही यार, बहुत ही मजेदार ये क्लिप थी, ठीक है, और काफी लोगों को जिन्हें डाउट था, बहुत सारे ऐसे लोग थे यार, कमेंट सेक्शन में भी पढ़ती रहती हूँ, या बहुत सारे अदर जो क्रिएटर्स हैं उनके भी कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, तो उसमें भी होता था, लिखा होता था कि हाँ नहीं गए हैं, इन्विटेशन नहीं मिला है, ये ऐसे ही फैलाया जा रहा है, कुछ तो सबूत सामने, हियर इज द प्रूफ। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।